हमको मजदूरी नहीं मिला है, हमको बंदी बना कर रखा है। 8 दिन से रोड पर भूखा प्यासे लेबर मर रही है, मांगने को नहीं मिलता है। सरकार में जाते तो किसी ने कोई सुनवाई नहीं की है। देखो बाली आवास में काम करते थे, नाली का काम करते थे, वो ₹200 खर्चा देते थे, पैसे कभी दिए नहीं है। बच्चे भी बीमार हो गए तो पैसे नहीं दिए, 15-20 दिन से बैठे खाने के लिए भी नहीं दिया पैसे उन लोगों ने। अब इतने से बच्चे हैं भूखे मर रहे हैं हम लोग के। ये तमाम मजदूर जो यहाँ बैठे हैं, ये मानव तस्करी के शिकार हैं। क्यों हैं? क्योंकि अपने राज्य में जब ये काम कर नहीं मिलता है और काम के उद्देश्य से जब ये किसी ट्राफिकर द्वारा दूसरे राज्य में ले जाए जाते हैं, वहाँ जाकर ये बंधुआ मजदूरी के इस खेमे में फंस जाते हैं। ये तमाम मजदूर जो यहाँ बैठे हैं, ये दलित कम्युनिटी के हैं। बंधुआ मजदूरी, बंधुआ गिरी और ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जो शिकार हो रहे हैं, वो दलित और आदिवासी तबके के गरीब मजदूर हैं। सरकार ने 2016 में एक योजना बनाई है, ये बहुत पुरानी स्कीम है, परंतु इसमें अमेंडमेंट किया गया है। पर इस स्कीम जब से अमेंडमेंट हुआ है, तब से तो बंधुआ मजदूरों को पुनर्वास की राशि मिलना ही बंद हो गया है। 2016 से 2019 के बीच में किसी भी मजदूर को पूर्ण रूप से पुनर्वास की राशि नहीं मिली है, क्योंकि पुनर्वास की योजना कहती है कि कन्विक्शन के बाद ही रिहैबिलिटेशन होगा। जब किसी मजदूर का कन्विक्शन ही नहीं होगा तो रिहैबिलिटेशन तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे आए काले खान से लेवाया था उस राजेश बिल्डर, यहाँ पे बहुत काम करवाया, टट्टी उट्टी सब उठवा, नाली साफ करवाया है, सब चीज का बोलते थे, पैसा मांगते थे, मारता था, सही मारा है, मेरा आदमी है मारता था पहले। तो बताओ, हम लोगों ने लेटरिंग भी फेंकी है यहाँ की, तो क्या नरेंद्र मोदी आप हम लोगों की लेटरिंग फेंकोगे यहाँ पे आकर के? ऐ तुम टीवी में तो बहुत भाषण देते हो, कुछ यहाँ पे भी भाषण दो ना आके हम लोगों से बात करके। यहाँ तो बहुत लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी बातें फेंक फेंक के हम लोगों को तो अपने गुलाम समझ लिया, सारे लोगों ने गुलाम समझ लिया हम लोगों को, मेहतर समझ लिया, लेटरिंग फेंकवा ली। तुम्हारी माँ बेटी की इज्जत है, तुम बड़े लोग कोठरी वाले नौकरी वाले, गरीबों की बहनों की इज्जत नहीं है। हाथ पकड़ पकड़ के घसीट रहे, काम करो, लेटरिंग फेंकवाई उन लोगों ने, बड़े बड़े नेतों की हम लोगों ने लेटरिंग फेंकी। इतने राजेश बाबू ने, ठेकेदार ने, बिल्डर ने हम लोगों से ऐसा काम किया है। तुम लोग कहीं जाओगे सुनाई करोगे तो हम लोग तुमको रास्ते में छेक करके जान से मार देंगे। वो बड़ा बिल्डर है तो कंपनी का ऊपर बोला तो हटो हटो यहाँ से, तुम्हारा कोई पैसा नहीं है, ठेकेदार ले गया तुम्हारा पैसा, हम नहीं देंगे पैसे। उसका इंसाफ नहीं है, कानून नहीं है, गरीब के साथ ऐसा काहे होता है, मजदूर के साथ काहे ऐसा होता है। मेरे के बाद ले गए उल्टा बच्चा को खिला पिला कर को उल्टा दबा ले लिया गया, आगे के बाद में मेरे साथ क्या किया गया, गंदे कूड़े की तरफ मेरे बच्चे को मेरे ले जाने के बाद धमकी पड़ा और बिहार से मेरे जो मोबाइल लेके आए मोबाइल भी छीन लिया गया, मैं गिर गया। मजदूर भूखा किसान 8 दिन 15 दिन से किसी को एक रोटी किसी को आधी रोटी, वो बच्चे मांग मांग के खा रहे हैं। अरे तुम्हारे शासन में शर्म होना चाहिए भाई। नए कानून की जरूरत नहीं है, नई योजनाओं की जरूरत नहीं है, जो कुछ बना हुआ है इन लोगों के लिए वो इनको दिया जाए, यही हमारी मांग है। मेरी बहनें मांगे, मेरे बच्चे मांगे।
का जरूर हक मांगेंगे। हम किसी का चोरी का नहीं मांग रहे, किसी का मुफ्त का नहीं मांग रहे हैं। एक बच्ची है, हमको 6 दिन तक नहीं रहने दिया सौरी घर में, और हमें पीठ में बांध के हम साला के रेडी ठेले हैं और कमाए हैं। आज हमें कुछ नहीं दिया है, इतना बड़ा हो गया मेरा बच्चा, पीठ में बांध के और साला के 50 किलो मिट्टी को, हम गीला मिट्टी को ठेल ठेल के साला 300 का पानी में गिरा गिरा के ईंट बनाई हूँ। आज वो कमाई को हम फ्री में जाने नहीं दूंगी।